कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ मैं ना, इस तरीके से नहीं कर सकते आप, सिर्फ ये बोलो कि कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। आज नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे भाई, थोड़ा सा चीजें कुछ सही नहीं चल रही हैं। मुकेश सर ने बुलाया मुझे कि जिम आ जाओ आप, कल सुबह मिलते हैं। तो जिम तो मैं आ गया हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे साथ हो गई हैं या हो रही हैं, कुछ बोल नहीं सकता मैं। बस यही कहना चाहूँगा कि बॉडी बिल्डिंग बहुत एक्सपेंसिव गेम है भाई, करोड़ों रुपए की बॉडी है ये। जितना मैंने बॉडी पे लगा दिया है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतने में मैं करोड़ों रुपए का घर खरीद सकता था दिल्ली के अंदर, अच्छी खासी लोकेशन में। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी बोल दे आपको कोई कि भाई ये बॉडी बिल्डिंग बहुत सस्ता गेम है, हो जाएगा काम, हो जाएगा पर मंथ 10-12 हज़ार में लग जाएगा, हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर होता जाएगा, आपके जो है खर्चे बढ़ते जाएंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको नॉर्मली काउंट करा देता हूँ, देखो मेरा जो खर्चा है मैं नॉर्मली काउंट करा देता हूँ आपको, क्या खर्चा है मेरा बॉडी बिल्डिंग का। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इवन मेरे को जो भी मेरे गुरु लोग हैं जो भी हैं वो कहते हैं कि इस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। बट माई कंसर्न इज दैट ओनली कि क्या डिस्कशन नहीं करना चाहिए सचमुच में, क्योंकि अगर हम सच्चाई की बात करते हैं तो सच्चाई में सब चीज़ बतानी पड़ती है, तो हमें ये भी चीज़ बतानी पड़ेगी। तो मेरा एक्सपेंस जो है वो खर्चा मैं आपको बताता हूँ। देखो 15 से 20 हज़ार रुपये सप्लीमेंट का खर्चा पर मंथ का, ठीक है, पर मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, पर मंथ की बात कर रहा हूँ। 15 से 20 हज़ार रुपये सप्लीमेंट, इसमें सब कुछ आता है। अब आप प्रोटीन को सप्लीमेंट मत मारो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, बहुत सारी जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, ऑर्गेन्स को प्रोटेक्ट करती हैं, वो चीज़ें चलती हैं। 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ, 15 हज़ार रुपये कम से कम आप मान के चलो सप्लीमेंट का, 15 से 20 हज़ार रुपये कम से कम मान के चलो आप एनाबॉलिक, कम से कम। अच्छी क्वालिटी का GH अगर यूज़ करते हो तो 30-33 हज़ार से नीचे नहीं आता, मतलब 35 हज़ार से नीचे नहीं आता। तो 35,000 रुपीज़ पर मंथ GH, जो आपके 20-25 दिन भी नहीं चलता। अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने के बाद आपको IGF यूज़ करना पड़ता है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर जिसको बोलते हैं, पर्टिकुलर मसल्स को बिल्ड करने के लिए होता है या फिर पूरे होल बॉडी को बिल्ड करने के लिए होता है किसी, उसके लिए उसका सेम खर्चा उसका भी 30-35, वो ज़्यादा है, बल्कि नॉट ज़्यादा, वो 40 को क्रॉस करता है। नाउ यू कैलकुलेट कि कितना ये आपका टोटल हुआ। अब आती है बात आपकी डाइट की। अगर आप नॉर्मल डाइट लेते हो, लाइक अंडे वगैरह खाते हो या सब चिकन वगैरह खाते हो, तो भी आपका खर्चा हर महीने का कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का बैठ जाता है डाइट का खाली। बट अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल, नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, लाइक आप सी फूड वगैरह लेते हो, तो सी फूड वगैरह टोटल ये कैलकुलेट करोगे तो पर मंथ का 20 से 25 हज़ार रुपये कंपल्सरी आपका जो है डाइट का खर्चा आ जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं डाइट में, खाली एक ही ये नहीं होगा कि भाई चिकन खा लिया, अंडे खा लिया, बस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सारा खर्चा आपका टोटल आप कैलकुलेट कर लो, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं उनके खर्चे हैं। अब इसके अलावा बाकी के खर्चे मैंने गिनाए नहीं आपको, जूते खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, कपड़े आपको बहुत जल्दी जल्दी कपड़े लेने पड़ते हैं, आपके बाल खराब हो जाएंगे आपको। अभी मेरा हेयर का ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी स्किन खराब हो जाती है, स्किन का ट्रीटमेंट चलता है, कभी चोट लग जाती है फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, उसका ट्रीटमेंट अलग चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। कभी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मंगानी पड़ती है, लाइक एल्बो को प्रोटेक्ट करने के लिए, नी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको जो है शूज को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप के आपको शूज लेने पड़ते हैं। पावर लिफ्टिंग के लिए अलग होते हैं, स्क्वाट मार रहे हो उसके लिए शूज अलग होने चाहिए, आप नॉर्मल वेट और ट्रेनिंग कर रहे हो उसके लिए शूज अलग होने चाहिए। आपको हर चीज़, आप डेली क्लॉथ अलग चेंज करके जाओगे, टी शर्ट आपको डिफरेंट टाइप की लेनी पड़ती है, कॉस्ट्यूम लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बाहर। एक छोटे से जिम से स्टार्ट करोगे तो आपका 10-15 हज़ार रुपये का खर्चा है, नो डाउट। बट जब आप नेक्स्ट लेवल पे खेलोगे ना, जिस लेवल पे मैं खेल रहा हूँ उस लेवल पे ये सारे खर्चे हैं। तो आप कैलकुलेट कर लो और मुझे बता दो कि भाई, और ये एक महीने का खर्चा नहीं है, पिछले 12 महीने से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 12 महीने से कंटिन्यू एक्सरसाइज कर रहा हूँ नॉन स्टॉप, हर तीसरे दिन मेरा जो है डबल पार्ट आ जाता है, यानी कि 3 दिन मेरा चलता है, 3 दिन के बाद फिर से वही एक्सरसाइज रिपीट हो जाती है। तो आप सोच सकते हो कितना तो मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ, और इसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों से बॉडी बन जाएगी, नहीं, इसके बावजूद भी बॉडी को तोड़ना पड़ता है, रुलाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, लास्ट आपको मतलब ये एक ऐसा गेम है, मैं आपको बता दूं कि बहुत रिस्की गेम है, बहुत एक्सपेंसिव गेम है, और
चाहे कोई कुछ भी कहे आपको, बहुत से लोग यहाँ पे अपनी दुकान चलाने के लिए भी बोल देंगे भाई क्या बकवास कर रहा है, हम तो नहीं करा, हम तो सस्ते में करा देते, हम तो ये कराते हैं, भाई हम तो एनाबोलिक से कराते हैं। झूठ मत बोला करो किसी को भी। माय कंसर्न इज दैट ओनली कि जब आप आओगे उसी चीज पे तो घूम फिर के वहीं आ जाता है। जो बच्चे खर्चा कर रहे हैं, जो करते हैं, उनको पता है कितना खर्चा होता है। मैं तो झूठ नहीं बोलता भाई, तुम्हें बोलना बोलो, तुम्हें बोलना है मेरे को कि भाई झूठ बोल रहा है या ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहा है, तो तुम बोलो, क्योंकि तुम्हें अपनी दुकान चलानी है, मुझे भी अपनी दुकान चलानी है, बस झूठ बोल के नहीं चलानी, ईमानदारी से चलानी, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा क्या होगा, जैसे मैं अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ फाइनेंशियली, वैसी प्रॉब्लम और फेस कर लूंगा। मेरे को ज्यादा बच्चे क्या बोलेंगे कि नहीं यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे पे जो भी बंदे आते हैं, जो भी बच्चे आते हैं, सब ईमानदार आते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं मेरे को, दिल से रिस्पेक्ट देते हैं। रीजन उनको ये है कि उनको पता है कि मैं उनको कभी भी गलत गाइड नहीं करता, कभी भी उनको मिस गाइड नहीं किया मैंने आज तक, किसी को गलत चीज नहीं बताता हूँ, कभी भी किसी को गलत एडवाइस नहीं करता हूँ। मैं जो भी करूंगा ईमानदारी से करूंगा, मैं उसको अपना बॉडी समझ के उसके साथ काम करता हूँ, उसकी बॉडी पे काम करता हूँ, और ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसे देता हूँ ईमानदारी से। मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग है बहुत सारी, उसमें बंदे बच्चे बोलते हैं कि सर वो रिप्लाई नहीं देते, मैं उनको उल्टा कॉल करता हूँ, मैं उनको मैसेज करता हूँ कि भाई क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, बताओ मुझे कौन सा कोच ऐसे। मेरे को अक्सर आए दिन मेरे को मैसेज आते हैं कि सर ऑनलाइन ट्रेनिंग जो लेते हैं कोच रिप्लाई ही नहीं देते। ये मेरे साथ भी हुआ है, उनको मैसेज करो रिप्लाई नहीं देते। यार भाई आपने पैसे लिए क्यों जब आप रिप्लाई नहीं देना चाहते हो, अब आपको बोझ लगने लग गया हो बच्चा, जब आपने पैसे लिए तब तो बोझ लगा नहीं आपको। तो आप अगर दे रहे हो कोई सर्विस तो प्रॉपर तरीके से दो, नहीं तो मत दो, बोल दो मेरी औकात नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है भाई, मैं नहीं दे सकता, मेरे पे इतना बटन पड़ गया या मैं नहीं कर सकता काम, मैं अभी तो झेल रहा हूँ ना, मैं अभी तो इतनी सारी चीजें चला रहा हूँ, इतने सारे काम है मेरे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, दैट इज माई फर्स्ट थॉट। नहीं आज स्क्वाड है, फिर से स्क्वाड की ट्रेनिंग करेंगे, सुपर सेट करेंगे, ड्रॉप सेट करेंगे। ये भाई आया है भोपाल से, उसकी भाई की बहुत फॉर्म है, मैंने ऐसी जो है या तो मैंने उसकी फॉर्म देखी थी ऐसी सेम कोचिंग स्टाइल सेम वही चीज, कमी है लाइक थोड़ा सा ग्लूट्स पे काम करना, थोड़ा सा काफ में काम करना, बाकी भाई की बॉडी एक नंबर की है। तो ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है भाई की, कम से कम इसको काम करते हुए बॉडी पे 8 से 10 साल हो गए, 10-7 साल कंटिन्यू मेहनत कर रहा है बेचारा। तो अगर आप बोल दो 1 महीने में 2 महीने में ओलंपिया बनना है, तो भाई 1 महीने 2 महीने में ओलंपिया नहीं बनता। अभी इस भाई से पूछो इसने कितना करोड़ों का खर्च कर दिया, जितना बॉडी पे खर्च कर दिया उतने में तो भाई घर ले लेते हैं आप। अरे BMW कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, BMW अच्छा कर रहा है, घर जाएगा तेरा इसमें, घर जाएगा चले जाएगा 15%। आपको लगता है कि 1 महीने में बॉडी को काट सकता हूँ? ये तो तेरे ऊपर है भाई, ये अकेला ना कोच कर सकता ना एथलीट कर सकता, नहीं कर पाऊंगा सर ऐसी मिठाइयाँ फेल रहता है, काट दूंगा मैं 1% भी नहीं घटा सकता ये काट दूंगा सर, ये नहीं काटूंगा, नहीं तो मेरे को गाली आएंगी। हाँ तो मैं झूठ बोलूंगा नहीं, नहीं मैं ईमानदारी से सर, बॉडी में एनर्जी नहीं है मेरे हाथ, अभी इतनी मिठाई खा के हाथ पैर काम, वो सर पुरानी बातें हो गई है, पुरानी कहा एक हफ्ते पहले ही बात है। तो अभी कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ मैं है? आप मॉरल डाउन मत करो सर, पहली मैं मॉरल इस तरीके से नहीं कर सकते, डिसिप्लिन से होगा। अभी तो मैं पूरा फॉलो कर रहा हूँ टाइम को, एक एक चीज फॉलो कर, एक महीने में देखना कितना शार्प हो गया, महीने पहले इतना ही फैट था इसमें। आप सिर्फ ये बोलो कि कर सकता हूँ मैं या नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं जो मैं अगर फॉलो जो आपने बताया उसके साथ 100% करेंगे, हो सकता है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, पॉसिबल हो ही जाएगा। हाँ तो करके दिखाऊंगा सर आपको, अब मैं आपको करके दिखाऊंगा, ये भी मेरे लिए चैलेंज है। मंडे को हम फॉर्म चेक करेंगे। हाँ ओके, तो उसके बाद आप मंडे के बाद 1 महीना तेरे पास पीक पे आगे काम किया हो, और अब चलो यहाँ पे स्टैग्नेशन आ गया, अब नहीं हो रहा इससे, तो फिर चेंज करें, इस पे तो हमने किया ही नहीं काम, अभी डेली कुछ ना कुछ फील हो जाता तेरा, ये मैं वैसे ही बता रहा हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं देख के आ रहा हूँ तेरे को, पर हो जाता है स्किन पता ही ना, ऐसा कोई रीज़न नहीं दुनिया में, चाहे जिस मर्जी जैसे टाइप बॉडी हो, एंडोमॉर्फ हो, एक्टोमॉर्फ कुछ भी हो, हमारा डेली कुछ ना कुछ चीट हो जाता है छोटा मोटा, ये तुझे रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैं अगर खाऊंगा तो मैं उतनी कैलरीज के लिए वर्कआउट भी बढ़ाऊंगा अपना, अगर मैं वर्कआउट नहीं बढ़ाता अपना उतना तो मुझे खाने का राइट नहीं है, ठीक है ना। तो आप परसों मिठाई खिला दी आपने, खा ले वो उतार दूंगा। हाँ तो मैं यही चेक कर रहा था। क्या ऐसा भी सीन है? आज पता लग गया भाई, देखो सर बोले तो भी खाना नहीं कोई। ठीक है सर, अब मैं आपको काट के दिखाऊंगा सर, और बोलो ठीक है, 1 महीने के बाद बात करूंगा मैं आपसे। 4, 5, 6,
सेवन एट थ्री फोर। उस लेवल पर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, उनका कहने का मतलब ये था, बट इट्स ओके, जो भी है अभी हो चुका है तो हो चुका है। ये आधा किलो मच्छी है मेरी एंड ये थोड़ी सी दाल है एंड सैलेड्स। मैं कंप्लीट डाइट बताऊंगा मंडे की आपको, संडे को छुट्टी रहेगी, संडे को कोई ब्लॉग नहीं आएगा, नए ब्लॉग के साथ आऊँगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दोनों दबा दीजिए भाई, तभी जो है कुछ उद्धार हो सकता है आपका भी मेरा भी।